नमस्कार। सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव ने लिया यह फैसला। मोदी और कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक के बाद बसपा मजबूती से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने भी अपना स्ट्रोक चलते हुए प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारा। वैसे तो प्रियंका गांधी पहले भी उत्तर प्रदेश में लगातार प्रचार करती रही हैं, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं दिखने को मिला। लेकिन अब प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव एकदम से बनाया गया है और महासचिव बनाने से देश के अंदर अलग चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। इसी के साथ साथ बीजेपी भी अपने पार्टियों के अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने का कदम उठा रही है। मायावती जी और अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है कि बसपा और सपा की 7 कमेटियों का गठबंधन किया जाएगा। उन्होंने फैसला लिया है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग कमेटियां ना बनाई जाएं, बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ कमेटी बनाई जाए और लोगों के बीच में जाकर अपना काम करें। उन्होंने इस बात के भी साफ निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिले की कमेटी बनेगी उसमें दोनों पार्टी के नेता साथ साथ रहेंगे। मायावती जी और अखिलेश यादव यह नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से उनकी पार्टी कमजोर बने। तो ऐसी ही बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो देख पाएं और उससे पहले।